of today's function. Before we start the proper proceeding of this 83rd death anniversary of Rama Iqbal, I shall first call Cadet Sadul Haq of Class 9 for recitation of Holy Quran. बहुत ऊंचे दर्जे तक बयान किया है जिसे लोग
से रहते थे, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ताके अमरा के गड़ों दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकाम को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो, मेरा खुशो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। शुक्रिया। मिशन एंड स्टार्स। टुडे इज द डे ऑफ 83rd डेथ एनिवर्सरी। एज अ पोएट ऑफ ईस्ट, अ ग्रेट थिंकर, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट ओरिएंटेटर एंड द डायरेक्टर ऑफ एंटायर मुस्लिम नेशन, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हु वाज डाइड ऑन 21st April 1938. Allama Muhammad Iqbal spent his entire life to serve the Muslims of subcontinent. His poetry lifted the spirits and hearts of dead Muslims. जो आपकी तरबियत की उसमें उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, आपके वालिद जो थे शेख नूर मोहम्मद एक सूफी बुजुर्ग थे और सिलसिला कादरिया में आवाम शरीफ गुजरात में उनकी बैत थी, खुद भी इकबाल जो है ना वो उनसे बैत थे और इस्लाम के रूहानी निज़ाम से वाबस्ता थे। वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो आप रोने लगे, इंतहाई क्रिया किया और शिद्दत से रो रहे थे और पूछा किसी ने कि इस शिद्दत से रोने का सबब क्या है, उन्होंने कहा कि वालिदा का एक मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। तो उन्होंने पूछा कि क्या वालिदा सबकी वालिदा जो है ना वो एहसान करती हैं, परवरिश करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा का ख़ास मुझ पर यह एहसान है कि मेरी परवरिश उन्होंने रिश्ते हलाल से की है। और वालिद किसी सरकारी महकमे में कुछ अरसे के लिए मुलाजिम हुए जो टैक्स कलेक्शन करते थे, जिस महकमे में टैक्स कलेक्शन होती थी। तो वालिदा ने इस शक की बुनियाद पे कि ये जो टैक्स कलेक्शन वाले लोग हैं, ये महकमा है, ये जायज़ नहीं है, ये महकमा ही जायज़ नहीं है उनके नज़दीक, तो आपने उनकी तनख्वाह से इकबाल को दूध नहीं पिलाया, उसके लिए अलग से एक बकरी का एहतमाम किया, उसके चारे का अलग से एहतमाम किया और फरमाने लगे कि मुझे उससे जो है ना वो परवरिश की, मुझे उससे दूध पिलाया। जब माओं की एहतियात का ये आलम हो तभी इकबाल जैसी शख्सियात जन्म लेती हैं। बस सिर्फ इतना ही। I am here to speak some lines of Dr. Allama Muhammad Iqbal. Your abode is not on the dome of the palaces of kings, for you are an eagle, you live on the peaks of great mountain. Don't get frightened of these furious hornet's wings, O eagle, they are only there to make you fly higher. Thank you. भरोसा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही, आईना ए जवां मर्दी हक गई अबे बाकी, आईना ए जवां मर्दी हक गई अबे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रबाही, ए तायरे दाऊदी उस दिल से रिस्क है तो बहुत अच्छी, जिस रिस्क से आती वो परवाज में कुताही। अस्सलाम। अमाबाद वाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माँ प्रिंसिपल, मोहतरमा साथीज़े कराम और मेरे हम मकतब साथियों, आपको हुसैन जमान का सलाम पेश है। आज मैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की वफ़ात के दिन पर उनकी सोच और फिक्र के कुछ पहलू आपके सामने रखने आया हूँ। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह रूहे इकबाल को जन्नत के बागों की सैर में मशगूल रखे और उनकी मिल्लत इस्लामिया के लिए की गई आला तरीन खिदमात को अपनी बारगाह रहमत में आला दर्जात से नवाजे, आमीन। मौजूद सामीन, सुबह आँख खुली तो याद दिलाया गया कि 21 अप्रैल हमारे अजीम कायद की वफात का दिन है, मगर साथ ही दिल में एक और दुख उमड़ आया कि इकबाल को याद करने के लिए हमारे पास आया दो ही दिन है, एक इकबाल का यौम पैदाइश और एक इकबाल का यौम वफात। आज इस ख्याल ने गमगीन कर दिया कि लब पर आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तक तो मेरी अकल जाती है कि समझाने वालों ने उससे आगे समझाया ही नहीं। सच तो ये है कि इकबाल, हमने इकबाल को पढ़ने और समझने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, तो खुशी उनकी पैदाइश की कैसी या गम उनके बिछड़ जाने का कैसा। कौमी शायर का लकब देकर भी हम उनके आला दर्जे की अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर सके, तो आया किसके लिए इकबाल ने सदियों नस्लों को संवारने के लिए पैगाम और अदाब बताए। हम इन्हें कौमी शायर, बच्चों के शायर, कौमी हीरो कह देने पर ही बस इत्तेफाक कर जाते हैं। हम इकबाल की लिखी हुई शायरी पर और उसकी शायरी में मौजूद गहराइयों पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते। शायद नहीं, यकीन आज मुल्क के अंदर इख्तलाफात तजादात तफरीक
चाचा खड़े हैं। किसी ने एक बार से मुखातिब होकर कहा, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी औरत दो इसे घबराता है मोमिन, मकारी और रुबाई पे इतराता है मोमिन, जिस रिश्ते में जिस रिश्ते से परवाज में आती है कोताही कड़र, और इस बड़े शौक से खाता है मोमिन, किरदार का गुफ्तार का अमाल का मोमिन, काहिल नहीं है ऐसे जंजाल का मोमिन, सरहद का मोमिन है ना कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढने से नहीं मिलता किताब का मोमिन, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। मेरे हम वतन साथियों, आज एक ऐसा दिन है कि इकबाल अहमद लाले के कहे हुए दहाई साल पहले ये शायर आज उठाएं तो मुसलमान अपनी अजमत को दोबारा हासिल कर सकते हैं।
प्यारे कैडेट्स, अपने मौसमों को याद रखना हमेशा जिंदा कौमों पर सवार रहा है। आज हम उस मौसम को सिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं जिसने हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिया, तसव्वुर दिया। सोच का बीज अलामा मोहम्मद इकबाल ने दिया और आबियारी कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने की। पहाड़ से कम नहीं, जरा तवज्जो के साथ के लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, क्या जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, हो मेरे दम से यूं ही मेरे बदन की जीनत, हो मेरे दम से आपके दम से आज के जवान के दम से, क्या हो मेरे दम से यूं ही मेरे बदन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अलामा इकबाल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Please stand and sing the instrument loudly and proudly.